मध्य प्रदेश के खंडवा में कई जमाती आज कोरोना को मात देकर जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जहां ये जमाती पूरे देश में कोरोना फैलाने का सबब बने हुए थे, वहीं दूसरी तरफ अब ये इसकी दवा भी बनना चाहते हैं। जो जमाती कोरोना को मात देकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, उनका कहना है कि वो कोरोना जांच के लिए प्लाज्मा देने को तैयार हैं। साथ ही जमातियों ने कहा कि कोरोना की जंग में जो उनसे बन पड़ेगा वो सरकार की मदद करेंगे। उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद देश के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अल्लाह से दुआएं भी मांगी। हम आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह इस बीमारी से सारे आलम के इंसानों की हिफाजत करे। या अल्लाह खासकर हमारे खंडवा के हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, या अल्लाह हर बूढ़े को या अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे। डिस्चार्ज हुआ, आप किस तरह का महसूस? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला और कोई भी तकलीफ नहीं। सिस्टरों ने भी बहुत सहयोग किया, डॉक्टरों ने भी बहुत सहयोग किया और पूरे जिला प्रशासन का ने सहयोग दिया। खाना भी बहुत अच्छा मिला है और अब तो रोजे चालू हो गए। हमने पांचवा रोजा, आज सबने रोजे रखे और पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांग रहे थे। रो रो के दुआ मांगी है 5 दिन 17 दिन। और बाहर के जितने भी मेरे भाई बहन लोग हैं, जितने भी हैं, अगर किसी को जरा सी भी कोई तकलीफ आती है तो अल्लाह के वास्ते वो जाँच करवा ले अपनी। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कुछ भी हो, अगर कोई बीमारी हो तो पता चल जाएगा। धन्यवाद फरीद भाई। जो लोग अभी कोरोना से मुक्त हो गए हैं, हाँ, उनका प्लाज्मा दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है जी। तो क्या ऐसी स्थिति, यदि प्लाज्मा डोनेट करने की स्थिति होती है? हम तैयार हैं, सबसे पहले तैयार हैं। जब आप कहेंगे तब सब तैयार है, पूरा तैयार है, पूरा पूरा जितने भी लोग हैं, हजारों लोगों को ये जिस काम के लिए मैं सबसे आगे हूँ, चढ़ के देंगे जितना चाहिए प्लाज्मा हम देंगे। जिस चीज की जरूरत पड़ी है सबके लिए तैयार है। क्या दुआ में क्या मांगा है? दुआ के हिंदुस्तान अच्छा, मुल्क पूरा मुल्क अच्छा रहे, इस बीमारी से कोरोना से लड़के जीते। अभी तक 394 सैंपल भेजे हैं, जिसमें से 45 पॉजिटिव आए हैं और 237 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। कुल 112 सैंपल अभी हैं, ऐसे हैं हमारे जो जिनकी रिपोर्ट आना शेष है। फिलहाल में जो रिपीट सैंपल्स गए थे उसमें से 20 में से 19 लोगों की दो बार की रिपोर्ट हमारी नेगेटिव प्राप्त होने से आज 19 लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। तो अभी तक कुल पेशेंट, अब कुल पॉजिटिव केसेस कितने हैं और अब हॉस्पिटल में कितने हैं कोविड सेंटर में? अभी तक आज दिनांक तक हमारे जो खंडवा जिले की मैं बात करूंगा तो एक इंदौर से प्राप्त हुआ है, कुल 46 पॉजिटिव आए हैं हमारे, उसमें से हम लोगों ने 31 को ठीक करके डिस्चार्ज कर दिया है। और जो हमारे आइसोलेशन वार्ड है यहाँ पे अभी 8 पेशेंट एडमिट हैं, 4 पेशेंट ऐसे हैं जिनका इंदौर में इलाज जारी है। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।